नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अगला जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूज, वह टेंस पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूज टेंस है, उसकी जो हिंदी पहचान होती है, पास्ट कंटिन्यूज कंटिन्यूज है तो रहा, रही और रहे लगता है, और पास्ट है तो क्या लगेगा, था, थे और थी। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी थे, यानी भूतकाल में जारी होने का एहसास करवाते हैं। यानी मैं टीवी देख रहा था, वह गाड़ी रिपेयर कर रहा था, वह नदी में स्विमिंग कर रहा था, यानी कि भूतकाल में जो कार्य जारी थे उनको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूज का यूज किया जाता है। हिंदी पहचान रहा था, रही थी और रहे थे। अब है जिस प्रकार हिंदी पहचान रहा था, रही थी, उसी प्रकार अगर अंग्रेजी में सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब से पहचान होती है। यानी कि पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूज की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है वाज या वर, एस फॉर सिंगुलर, और कंटिन्यूज कोई सा भी हो और परफेक्ट और एंड कंटिन्यूज कोई सा भी हो, उसमें आईएनजी फॉर्म आती है, दो दूनी चार बराबर आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका यूज किया जाएगा, आईएनजी का यूज किया जाएगा। अब मैंने कहा था कि अगर किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब डबल है तो एक हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस लगता है तो वो सिंगुलर के लिए यूज की जाती है, और आई होता सिंगुलर लेकिन हम उसको प्लूरल के रूप में यूज लेते हैं। यह एक टेंस है, एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें आई को क्या माना गया है, सिंगुलर माना गया है। यानी बाकी में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो आपको दे दिया कि हैज और हैव, कि आप आई के साथ किसका यूज करोगे, तो आई को हम प्लूरल मानेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, हैव का। आई के साथ हैज नहीं लगा सकते। लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूज टेंस है, पास्ट कंटिन्यूज में आई को हम सिंगुलर मानते हैं, यानी कि आई के साथ किसका यूज किया जाएगा, वाज का यूज किया जाएगा, वर का यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि एकमात्र ऐसा टेंस जिसमें आई को सिंगुलर माना गया है, जिसमें आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज। अब कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस जैसे इफ वाले, एज दो, आई विश, अगर इनमें आता है तो आई के साथ में यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उनके साथ में तो प्लूरल का यानी वर का लगाया जाता है। यानी कि ये बता दूं कि अगर ऐसा लिखा हुआ इफ आई बी की फॉर्म भरनी, ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आपको ऑप्शन दे दे कि आप क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, वर लगाओगे, इज लगाओगे या फिर आर लगाओगे, तो आपको यहाँ पर यह नहीं मानना है कि आई है ना, सर ने कहा था कि आई के साथ में तो वाज लगाएंगे, एकमात्र ऐसा टेंस है। ये जो सेंटेंस है वो इफ कंडीशनल सेंटेंस है। इफ कंडीशनल में दूसरा जो टाइप होता है ये हम टेंस में ही स्पेशल रूल में पढ़ लेंगे कि इफ कंडीशनल सेंटेंस होता है और अगर उसमें इमेजिन कोई किया जाता है, कल्पना के ऊपर जो बात की जाती है, तो एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस का या वाज वर्ब का यूज किया जाता है तो दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे खालिस्तान में क्या है, खालिस्तान से आगे यहाँ क्या भरा हुआ है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि विल का पास्ट क्या होता है, वुड। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर ने कहा कि आई के साथ में किसका यूज करेंगे, वाज का, क्योंकि इज और आर का तो प्रयोग होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉडल पास्ट में है, विल का मॉडल जो है वुड ये पास्ट में है, तो ये तो प्रेजेंट की बात है, इज और आर तो किस में होता है, प्रेजेंट में। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वाज लगाएं या फिर वर लगाएं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर। क्यों लगेगा, इस इफ के कारण। अगर ये इफ नहीं होता
अगर इफ कंडीशनल सेंटेंस नहीं होता तो फिर हम आई के साथ क्या लगाते, वाज लगाते। तो यहां समझ में आ गया कि कंडीशनल सेंटेंस हो, इफ याद रखना है आपको कि इफ कंडीशनल सेंटेंस हो दो नंबर वाला, एक तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमेशा अगर बी की फॉर्म दे रखी है, बी की फॉर्म के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इज आर एम वाज और वर, अगर बी की फॉर्म दे रखी है तो हमारा चाहे सब्जेक्ट आई हो और चाहे ही हो चाहे किसी का नाम वगैरह कुछ भी हो, हमेशा वर का यूज किया जाता है। वो वहाँ हम जब पढ़ेंगे उस समय हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है तो आई के साथ किसका यूज किया जाएगा, वाज का। वर का यूज कब किया जाता है, जब इफ कंडीशनल सेंटेंस हो। तो आगे हम पढ़ते हैं, मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। जैसे वह नदी में तैर रहा था, तो तैरने को क्या कहते हैं, स्विम। स्विम यानी क्या होता है, तैरना। पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, कैसे पता चला, यहां पर था है तो पास्ट, रहा है तो कंटिन्यूस, कहीं पर भी समय नहीं लिखा हुआ है। समय लिखा हुआ होता तो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस हो जाता। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस सिंपल है, रहा था रही थी तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई एक वचन है और उसका नाम है ही, प्रोनाउन है ही। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब रहा था से क्या हमें मिली, वाज या वर। तो ही क्या है, सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, यानी ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज, ही वाज। उसके बाद में मेन वर्ब किसकी क्रिया हो रही थी, तैरने की, तैरने को क्या कहते हैं, स्विम। लेकिन यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूज है, तो कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, वी वन प्लस आई एन जी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, आई एन जी फॉर्म आएगी। इसका मतलब हम इसमें क्या लगा देंगे, स्विमिंग, आई एन जी। कहाँ तैर रहा था, नदी में, तो ये मैं किसके लिए है, तैरने के लिए या नदी के लिए, नदी के लिए है, तो मैं को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन है, इन, कहाँ, रिवर में, द रिवर। अब अगला सेंटेंस कहे कि नेगेटिव बनाओ कि वह नदी में नहीं तैर रहा था, तो सेम ही काम करेंगे, तीसरे स्थान पर क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा लेंगे। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद में वाज, यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट स्विमिंग इन द रिवर। अब आपको अगला सेंटेंस कहा जाए कि आपको इंटरोगेटिव बनाना, यानी कि यहाँ क्या लगाना है, क्या आंसर किस में मिल रहा है, यस या नो में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। कुछ नहीं करना है, वाज को तो हेल्पिंग वर्ब है उसको तो पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट को बाद में, और बाकी सब सेम ही रहेगा। यानी कि इस प्रकार से वाक्य बनते हैं, हम कुछ और वाक्य बनाते हैं और उन वाक्यों से हम स्टेंस के जो सेंटेंस हो किस प्रकार बनेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला वाक्य है, सोहन कार की मरम्मत कर रहा था। मरम्मत करने को कहते हैं रिपेयर। मेन वर्ब किसकी क्रिया हो रही थी, मरम्मत करने की, तो मरम्मत करने को क्या कहते हैं, रिपेयर। अगला सेंटेंस है, वे टीवी देख रहे थे, सीता कपड़े
धो रही थी, तुम क्या कर रहे थे। ये चार वाक्य हैं, ये जो चार सेंटेंस हैं हम बनाते हैं सभी सेंटेंस में, ये तो पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूज के ही है। पता कैसे चला? रहा था, रहे थे, रही थी और रहे थे। था है तो पास्ट का, रहा रही है, समय कहीं पर भी नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना, यानी कर्ता, काम को कौन कर रहा था, तो मरम्मत करने का कार्य कौन कर रहा था, हमें आंसर मिला सोहन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सोहन। उसके बाद में किसकी क्रिया हो रही थी? मरम्मत करने की, यानी ये हमारी क्या है? मेन वर्ब। किसकी मरम्मत कर रहा था? कार की, यानी ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? सोहन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट कंटिन्यूज है तो वाज या वर, वाज या वर है तो सोहन किसी का नाम है, सिंगुलर है, एकवचन है, तो क्या लगाएंगे? वाज। उसके बाद मेन वर्ब आती है, आईएनजी फॉर्म आएगी, तो रिपेयर, रिपेयर के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी, रिपेयरिंग। किसकी मरम्मत कर रहा था? कार की, द कार। अगला सेंटेंस है, वे टीवी देख रहे थे, तो जो वे है वो क्या है? बहुवचन। और अंग्रेजी में इनको क्या कहा जाता है? दे। सब्जेक्टिव केस यही होता प्रोनाउन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया दे। दे क्या होता है? प्लूरल है तो हम लगाएंगे वर। उसके बाद में किसकी क्रिया हो रही थी? देखने की। देखने को कहेंगे वाच, तो वाच के साथ में क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। वॉचिंग क्या देख रहे थे? टीवी, द टीवी। अगला है, सीता कपड़े धो रही थी, तो सबसे पहले कपड़े धोने का कार्य कौन कर रही थी? सीता। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। उसके बाद में सीता किसी का नाम है, यानी एकवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज। किसकी क्रिया हो रही थी? धोने की, धोने को कहते हैं वास। साथ में क्या लगाएंगे? आईएनजी, यानी वॉशिंग। क्या धो रही थी? कपड़े। तो यह कपड़ा नहीं है, कपड़े हैं, यानी कि ये क्या है? प्लूरल है, तो कपड़े को क्या कहते हैं? सी एल ओ टी एच, टी एच लगाओ तो साथ में क्या जोड़ देंगे? ई एस, तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो यहां हो जाएगा क्लोथ्स। अगला सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे थे। तो ये सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव भी दो प्रकार के बताए थे, कौन कौन से? डब्ल्यू एच वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला होता तो आंसर किस में मिलता? यस या नो में। इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, तुम क्या कर रहे थे? हाँ मैं कर रहा था। यानी कि तुम्हें प्रश्न पूछा गया कि क्या कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे? पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, गा रहे थे, सो रहे थे। यानी कि यहाँ पर है वो सेंटेंस कौन सा है? डब्ल्यू एच। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है? क्या, क्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वाट। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, इंटरोगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डब्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम ही होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब वाले का? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस अगर हो, हेल्पिंग वर्ब वाला यानी यस और नो का, जिसमें आंसर मिलता है वो। अब इसका ही आपको कह दे कि इसमें हमें क्या बनाना है, डब्ल्यू एच वर्ड बनाना है, तो हम आगे इसके डब्ल्यू एच लगा देंगे। यानी कहने का मतलब है
कि डब्ल्यू एच के तुरंत बाद में यहाँ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले वाज या वर, सब्जेक्ट कौन है, तुम, डब्ल्यू एच के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट यू, यू क्या है, प्लूरल है, तो इस यहाँ पर क्या लगा दिया, वर, और काम करने को, करने को किसी को भी काम करने को कहते हैं डू, साथ में क्या ऐड कर दिया, आई एन जी यानी डूइंग। तो ये सेंटेंस थे, आपको चार पांच सेंटेंस और दे रहा हूँ साथ में बनाने हैं। पहला सेंटेंस है, वह सड़क पर टहल रहा था, तो टहलने का काम वह कर रहा था लड़का है, तो ही सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, वाज। उसके बाद में किसकी क्रिया हो रही थी, टहलने की, टहलने को वॉक कहते हैं, तो साथ में लगा देंगे आई एन जी वॉकिंग। कहाँ पर, सड़क पर, ऑन पर को कहेंगे ऑन द रोड। अगला सेंटेंस है, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, तो आंसर किसमें मिल रहा है, यस या नो में, सबसे पहले क्या है, शुरुआत में क्या आ गया, इसका मतलब डब्ल्यू एच वर्ड है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब किसको देख कर आती है, सब्जेक्ट को, तो काम, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, तो किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा था, तुम, यानी ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तुम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू, यू को क्या मानेंगे, प्लूरल, प्लूरल, तो प्लूरल है, तो वाज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे, वर का यूज करेंगे, उसके बाद में यू सब्जेक्ट है। अब आएगी मेन वर्ब, तो पढ़ने की क्रिया हो रही थी, तो पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, रीड के साथ में क्या लगा देंगे, आई एन जी रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे, किताब, किताब पता नहीं है तुम, ए बुक। वाक्य कैसे बनेगा, वर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। अगला है, तुम कहाँ रह रहे थे, तो रहने की क्रिया हो रही थी, पर्सन पूछा है कहाँ, तो आंसर ये होगा कि हाँ मैं रह रहा था, आपको जगह पूछी है तो जगह बताएंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर। डब्ल्यू एच के तुरंत बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब होगी वाज या फिर वर, तो ये हेल्पिंग वर्ब किसको देख कर आएगी, सब्जेक्ट को, तो रहने का काम कौन कर रहा था, तुम, तुम यानी यू, यहाँ खाली स्थान छोड़ देते हैं, यहाँ लगा देते हैं यू। अब बताओ यू सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो यू से पहले यहाँ क्या लगा देंगे, वर, वेयर, वर, यू, किसकी क्रिया हो रही थी, रहने की, रहने को लिव कहते हैं, साथ में आई एन जी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जब डब्ल्यू एच वर्ड से पर्सन पूछा जाता तो आंसर किस, कभी ऑब्जेक्ट गायब रहता कभी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा आंसर कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट में। अगला है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, लड़का है यानी वह, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, ही, ही सिंगुलर है, तो रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूज है, तो क्या लगा देंगे, वाज। नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट आएगा तीसरे स्थान पर, नॉट, किसकी क्रिया नहीं हो रही थी, खेलने की, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, साथ में क्या लगा देंगे, आई एन जी। उसके बाद में क्या नहीं खेल रहा था, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट क्या है,
क्रिकेट। अगला सेंटेंस है, मोहल्ले में कुत्ते भौंक रहे थे। अब हमारी आदत होती है कि हम शुरुआत में देख लेते हैं कि लगभग सभी वाक्यों में क्या होता है कि सब्जेक्ट शुरुआत में होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, कर्ता। तो देखो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही थी, सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछते हैं, कौन सी क्रिया हो रही थी भौंकने की? बाघ। अब कौन भौंक रहा था, कर्ता कौन है? भौंकने का काम मोहल्ला कर रहा था या फिर कुत्ते? कौन था? कुत्ते। यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? डॉग्स। अब कहाँ भौंक रहे थे? मोहल्ले में। ये उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसका मतलब है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मोहल्ला आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है डॉग्स, तो कुत्ता नहीं है, कुत्ते हैं, तो इसका मतलब है प्लूरल। तो डॉग्स प्लूरल है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? वर। किसकी क्रिया हो रही थी? भौंकने की। तो बार्क के साथ में लगा देंगे बार्किंग।